सबसे पहले इसमें देखिए एन एन एंड एन एस मैपिंग, ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे आप किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को शो करें तो आपके पास जनरली ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और इसी पर आप जनरली कॉन्साइड करा लीजिए टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैग्नेटिक मेरिडियन इस पे है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन इस पे है। तो अगर आप अर्थ के अंदर मैग्नेट को रफली कॉन्साइड करा लीजिए तो आप ऐसे देख पाएंगे अर्थ के अंदर मैग्नेट को, साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल, और ये हो जाएगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, दिस। अब अगर मैं कहता एन 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 तो मतलब सिर्फ इतना है कि आपने एक मैग्नेट को इस तरीके से रखा है कि इसका जो नॉर्थ पार्ट है ये अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सो कॉल्ड एनएन एनएन। अर्थ के अंदर मैग्नेट को वैसे भी हाइड रखते हैं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बाहर के मैग्नेट को दिखाते हैं और ये बाहर के डायरेक्शन को स्टोर करते हैं एनएस। ये लाइन खींचेंगे तो एन से लाइनें ऐसे निकलेंगी और एस में ऐसे चली जाएंगी, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी इसी पर तो है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। बाकी ऊपर और नीचे पोल पे तो बहुत ठंडी है। तो यहां अगर एन एन बोल रहे हैं तो मैग्नेट ऐसे आपने रखा कि एन नॉर्थ ऑफ मैग्नेट नाउ ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पड़ गया। अब अगर ऐसा है तो इस मैग्नेट के लिए आप दो लाइन खींचते हैं, एक आप कह सकते हैं एक्सियल और एक आप कह सकते हैं इक्विटोरियल। अगर हम कहते हैं कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम है तो आप एक बार इक्वेटोरियल पर हाथ रखिए, अगर यहां हाथ रखें तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, ऐसे ही तो खींचेंगे, ऐसे जब ऐसे खींचेंगे तो ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट। क्लियर है? और ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उठा के यहां रख दीजिए तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही है। क्लियर है? अपोजिटली आने की वजह से क्या एक चांस नहीं बन रहा है कि मे वी कैंसिल। ठीक है, तो एक बार इक्वेटर पर रखें, अब जरा एक्सियल पर हाथ रख लीजिए तो कहीं भी पूरे एक्सियल पर अगर हम यहां हाथ रखते तो देखिए इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एन से लाइनें निकलती हैं और एस में जाती हैं, यानी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगी, ये बी हो गई और यही लाके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ये लाके रखिए, ये एच हो गई। क्या कैंसिल हुई? नहीं हुई। मतलब एन एन पोजिशन में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बी को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एच कैंसिल कर सकती है। मान लेते हैं बार मैग्नेट से ये जो पॉइंट है जहां हम इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बी को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एच से कैंसिल करा रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट एन वन कह रहे हैं, तो जस्ट सिमेट्री बेसिस पर इधर आइए, यहां आपको एन टू मिलेगा, एक N2, यहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो यही एरो उठा के ले आइए, एरो उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड H, और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड खींच के देखिए तो ऐसे आएगा, यानी अपोजिटली है। यानी कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन निकल रहा है कि NN पोजीशन में बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पर कैंसिल होती है। अगर मैं आपसे कहता कि द सेपरेशन बिटवीन द न्यूट्रल पॉइंट इज डी, ये यहां से लेके एन वन से यहां तक एन टू तक ये डिस्टेंस डी होती, तो इसको आधा कर दीजिए। क्यों आधा कर दीजिए? ये अगर स्मॉल आर आप ट्रीट कर लेते एज द डी बाई टू, तो क्या एक बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड बी आप नहीं लिखते थे म्यू नॉट अपॉन फोर बाई एम बाई आर एम बाई आर क्यूब, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एच से कैंसिल हुई। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एच नोन है तो बार मैग्नेट का एम पता चल जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है इस डायग्राम में एनएन मैपिंग में
जो कंक्लूजन आप पाएंगे वो कंक्लूजन है कि न्यूट्रल इज फाउंड एट इक्वेटोरियल, न्यूट्रल पॉइंट इज फाउंड, न्यूट्रल पॉइंट इज फाउंड एट, इज फाउंड एट इक्वेटोरियल, फाउंड एट इक्वेटोरियल। और तुरंत आप यहां से आर डिफाइन करेंगे एज द डी बाई टू। अगर ऐसा है तो अब आपके पास है एट एन वन और एट एन टू, एट एन वन और एट एन टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट इज कैंसिल्ड बाय, इज कैंसिल्ड बाय ऑर्स मैग्नेटिक फील्ड, बाय ऑर्स मैग्नेटिक फील्ड इंप्लाइज दैट म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम बाय आर क्यू इज इक्वल टू H, where H is the horizontal components of or magnetic field. ये formula आ गया। अगर H दे देगा तो M निकल जाएगा, M दे देगा तो H निकल जाएगा, कोई एक unknown रखते हैं ये। तो इस तरीके से आपको NN mapping का एक formula मिला। अगर ये NS mapping होता तो उस केस में, अगर ये NS mapping है तो NS मैपिंग में फिर आप देख लीजिए, ये आपके पास अर्थ हो गया, ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आपको इसके पास कंपास या एक मैग्नेट फ्री करना है अर्थ, अगर इसके पास एक मैग्नेट को आप एग्जैक्टली ऐसे रख देते कि उसका एस जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता तो फिर से आप जो है देख लेते, एक बार एक्सियल देख लेते, एक बार इक्वेटोरियल देख लेते। एक्सियल पर अगर आप इस पॉइंट पर हाथ रखते, चलिए नाम रख रहे हैं N1, तो इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है दिस, क्लियर है, एस की तरफ, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एरो उठा के यहां ला के रख दीजिए, देख रहे हैं कहां मिल रहा है न्यूट्रल पॉइंट। अरे सीरीज बात है, इक्वेटोरियल पर मिला था तो उसके इसमें एक्सियल पर जाएगा। तो इस तरीके से आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बार मैग्नेटिक के मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन उसके एक्सियल पॉइंट पर मिल रहा है। अगर यहां हाथ रखे एट दिस पॉइंट से, दिस इज एन टू, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, एन से लाइन निकलती है ये, कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वाला एरो लाके यहां रख दीजिए H। अगर आप इस न्यूट्रल पॉइंट से इस न्यूट्रल पॉइंट तक के डिस्टेंस को d कहने वाले हैं, स्मॉल d, तो आधा कर लीजिएगा तो आपको r मिल जाएगा। ये d हो गया, यहां से r चाहिए आपको, ये हो जाएगा d बाई टू। अब आपके पास गवर्निंग इक्वेशन वही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज कैंसिल्ड बाई और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगेन आप लिख सकते हैं यहां, अगेन बी मैग्नेट इज इक्वल टू एच अर्थ, और बी जो मैग्नेट का है वो एक्सियल है ना, तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम बाई आर, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो यहां आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम बाई आर क्यू हो जाएगा इक्वल टू एच। ये आपके पास फार्मूला आ गया एनएस मैपिंग का। एनएस मैपिंग का मतलब बार मैग्नेट का जो एस है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में है, और जो एनएन है मैपिंग, उसमें मतलब है बार मैग्नेट का जो एन है वो एन
ज्योग्राफी के या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो NN मतलब हमारे मैग्नेट का N और डायरेक्शन N, कॉन्साइडिंग, हमारे मैग्नेट का S और डायरेक्शन का N, कॉन्साइडिंग। तो इस तरीके से पहला एक्सपेरिमेंट आपको मिला, इसको कहते थे मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बार मैग्नेट के न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं, इन न्यूट्रल पॉइंट्स के लिए आपके पास मेजरमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट आते हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं उसको आप टेंजेंट ला से गवर्न करते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो पहले तो टेंजेंट ला जानना होगा, तब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आएगा। टेंजेंट ला में यह कहा गया कि अगर आप दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लें तो उन दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो कंपास होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं स्टे करेगा। कहा कि अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड होता तो कंपास को रखते फट से लाइन हो जाता, अब एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस करने लगी तो कंपास उस दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, या ऐसे समझ लीजिए कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी अपनी लाइन पर अलाइन करने की कोशिश करेंगी। तो एक कोई मीन पोजीशन आएगा जहां वो इक्विलिब्रियम में सस्टेन कर जाएगा। तो कहा गया कि रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द टैन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो एनी वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, कौन वाली, एच वाली पहले से है, वो रहने दीजिए, और एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उस एच के परपेंडिकुलर क्रिएट कीजिए। तो पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने कंपास रखा, तो वो कंपास की जो नीडल थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अलाइन थी। अब जब परपेंडिकुलर वाली मैग्नेटिक फील्ड हम ग्रो करना शुरू करेंगे, 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला, तो हम देखेंगे कंपास की नीडल घूमना शुरू करेंगे, और घूमते 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 वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर अलाइन होने की टेंडेंसी रख रही है। इस प्रोसेस में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और कंपास की नीडल के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल का अगर टैन ले लेते तो ये रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, इसको हम टेंजेंट ला कहते हैं। तो अगर हम टेंजेंट ला में आए तो देखिए टेंजेंट ला में आपको क्या मिलेगा, और इससे जो डिवाइस हम बनाएंगे उसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहेंगे। तो टेंजेंट ला, टीजी, टीजी जो डिवाइस है पहले ला, टेंजेंट ला, टेंजेंट ला, आपके पास अर्थ है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, अर्थ के मैग्नेट की ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मॉर्निंग। अगर हम यहां कंपास रख देते तो ये कंपास ऐसे अलाइन रहता, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन रहता ये कंपास। अब अगर आप दो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, एक को आप कह रहे हैं बी, ये एनी मैग्नेटिक फील्ड है, एनी मैग्नेटिक फील्ड ये, और एक आपके पास अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ये एच वाली मैग्नेटिक फील्ड है, एच। तो कंपास था पहले एच की डायरेक्शन में, बी ने उसके ऊपर टाक लगाया और वो कंपास की नीडल फाइनली इस पर कहीं आके अलाइन हो गई, कुछ ऐसे इस पर आ गई ये, ठीक है। पहले ये नीडल इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थी, ये देखिए, और अभी ये रोटेट होके शिफ्ट हो गई क्योंकि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी लाइन पर अलाइन करने की टेंडेंसी रखती है और वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपने लाइन पर अलाइन करने की टेंडेंसी रखती है। अगर हम ये कहते कि इस नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट M है, ये कंपास नीडल है, ठीक है, तो क्या इधर वाला टार्क आपके पास नहीं हो जाता, एम बी साइन थीटा, एम बी की जगह एच है, एच साइन थीटा, ये टार्क हो जाता एम एच साइन थीटा, तो ये वाला टार्क कितना हो जाता,
mv sin 90 माइनस थीटा, इधर से जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कंपास को अपनी डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश कर रही है, तो ये हो जाएगा एम बी साइन 90 माइनस थीटा। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ होगा, अगर दोनों डार्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कंपास हैंग हो जाएगा तुरंत, यानी कंपास हैंग्स। अगर कंपास हैंग हो गया तो इसका मतलब है आपके पास हो गया एम एच साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, एम बी साइन 90 माइनस थीटा। नाउ देखिए कंपास के मैग्नेटिक मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास एच साइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, यहां से आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। अब जरा डायरेक्ट सोचिए तो आप, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है एच और ये एनी मैग्नेटिक फील्ड है बी, और क्या ये कंपास रेजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं शो कर रहा है क्या ये कंपास? जरा ध्यान से देखिए तो ये H है और ये B है, B के पैरेलल लाइन खींचे तो क्या दिखा B? ये देखिए ये H है और B के पैरेलल ये एरो खींचिए B है और ये कंपास का मैग्नेटिक मोमेंट है, दिख रहा है, और ये थीटा है, क्या डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू B बाई H, दिख रहा है ना, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है H, ये कंपास की ओरिएंटेशन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और कंपास के बीच ये बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा बी बाई एच। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये एनी मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है एच, और आपके पास ये कंपास की ओरिएंटेशन है, क्लियर है? अब आप क्या कीजिए, इस बी को उठा के यहां एच के हेड पे लगा दीजिए, ये देखिए ये देखा, ये हो जाएगा बी। अब आपके पास ये थीटा है, सोच लीजिए टेन थीटा इसका टू बी बाई एच, इसको बोलते हैं टेंजेंट ला, टेंजेंट ला पर वर्क करने वाली डिवाइस को कहते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, अगर आप टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देखेंगे तो दिस इज जनरली अ सर्कुलर क्वायल, ये एक सर्कुलर क्वायल है और इससे आप एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं आप सम नोन वैल्यू, क्यों, अगर देखा जाए तो इसमें एक नॉन मेटालिक फ्रेम होता है एंड सेटल्ड ओवर अ ट्राइपॉड, एक ट्राइपॉड पे इसको सेटल किया गया है एंड इट इज कैपेबल टू रोटेट, रोटेट कर सकता है अपनी जगह पे, ठीक है, और इसमें एक बेस प्रोवाइड किया गया है इन द सेंटर जहां आप कंपास को माउंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंपास कुछ नहीं है तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अलाइन रहेगा हमेशा। अब करते क्या है, तो हमने कहा कि एक नॉन मेटालिक सर्कुलर फ्रेम है मेंटेन ओवर द ट्राइपॉड है और बीच में एक बेस है जिस पर हम कंपास को रख सकते हैं। अब इस नॉन मेटालिक फ्रेम पर आपके पास कई कॉपर के टर्न लगे हुए होते हैं, उनमें से कोई एक टर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से एक वायर शुरू किया और एक टर्न इस पे लगा के यहां और यहां उसको छोड़ दिया, ठीक है, इसको कॉमन टर्न कहते हैं, इसको यहां लिख दिया इसने सिंगल टर्न, देखते रहिएगा, फिर इसी कॉमन टर्न वाले से फिर एक कॉपर वायर उठाया और देखिए ये देखिए एक
तीन, चार और पांच, क्लियर है? कॉमन टर्न और इसके बीच अगर आपने सेल ऐड कर लिया तो अब आप फाइव टर्न यूज करेंगे, ठीक है? यहां लिख दिया फाइव टर्न, फिर कॉमन टर्न से फिर एक वायर ऐड किया, 50 चक्कर लगा करके उसको, क्लियर है? यानी यहां ऑप्शन है आपके पास इस नॉन मेटलिक फ्रेम के ऊपर जो डिफरेंट कॉपर क्वाइल्स लगे हैं उनमें से आप डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्न चूज कर सकते हैं, कि आप वन टर्न वाला क्वाइल यूज करेंगे कि फाइव टर्न वाला कि 50 टर्न वाला। अब होना क्या है, बड़ा सिंपल सा है, जैसे एक सेल एड करेंगे, ये एक सर्कुलर क्वाइल है और ये माउंट सेंटर पर होता है, एग्जैक्टली सेंटर पे, ठीक है? तो क्या आपको सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी लिखने नहीं आता है? कितना? म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस आर। सर्कुलर क्वाइल है तो आर तो आप मीटर स्केल लगा के निकाल लेंगे, ठीक है? आर पता है, आई आप जब इसमें सेल ऐड करेंगे करंट के लिए तो मिली एमीटर लगा के मेजर कर लेंगे, और नंबर ऑफ टर्न आपने खुद सेलेक्ट किया है, तो क्या इस सर्कुलर क्वाइल की मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं पता है? क्लियर है? ये एक्चुअली में कहां यूज होगा? एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? यानी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक सर्कुलर क्वाइल है जिसमें सम टर्न्स अवेलेबल है, ट्राइपॉड पे मेंटेन है, कैपेबल टू रोटेट है, और इसमें एक टर्न टेबल है मिड में जिसके ऊपर आप कंपास को रख सकते हैं। अब आप करते क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना ये है, आपको करना सिर्फ इतना है कि एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना ये एच, आपको इसमें करंट सेटल करना है, करंट सेटल करते ही फट से इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ये बी। आपको तुरंत पता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी इस सर्कुलर क्वाइल की वजह से आई है तो ये बी आप ओपन कर पाएंगे फ्यूचर में म्यू नॉट एन आई बाई टू आर से, और जो यहां टेबल पे टर्न टेबल पे कंपास रखा है वो यहां कहीं ओरिएंट हो जाएगा, तुरंत भाग के पहले एच लाइन पर लाइन था अभी कहीं मिडवे में आके सेटल हो जाएगा लाइक दिस, यहां आके कंपास सेटल हो गया, ये कंपास की ओरिएंटेशन है। अगर वो पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अलाइन था और अभी थीटा डिग्री से डेविएट हो गया तो फिर से आप लगा दीजिए फ्रॉम टेंजेंट ला, tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, आपके पास टेंजेंट ला है, फ्रॉम टेंजेंट ला आप टेंजेंट ला लगा दीजिए, टेंजेंट ला से आपके पास है tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, वेयर एच इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब उस बी को रख दीजिए आप, जो भी आपने इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से पाया है। टेंजेंट इसलिए नाम है क्योंकि tan ऑफ थीटा इन्वॉल्व है, गैल्वेनोमीटर इसलिए नाम है कि मोर एंड मोर इज द करंट, मोर एंड मोर इज द बी, और मोर एंड मोर इज द बी तो मोर एंड मोर इज द थीटा, क्योंकि कंपास हायर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पर अलाइन होने की कोशिश करेगा। अगर बी कम करते जाएंगे तो ये एच की तरफ रोटेट होगा धीरे धीरे, और अगर बी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो ये बी की तरफ आएगा। तो यहां ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ इसलिए कि जितनी ज्यादा करंट आप रखने वाले हैं उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको मिलने वाला है। तो अगर आप रख देते बी तो देखिए आपको क्या फार्मूला मिल जाता, आपको यहां जो फार्मूला मिलता वो फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू बी म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस आर डिवाइडेड बाई एच, एच आई भर वेरिएबल है बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, फेंकिए इधर, फेंकेंगे इधर तो जाएगा, इसमें दो ही वेरिएबल है ना आई और थीटा, बाकी कोई चीज वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है? मोर एंड मोर करेंट, मोर एंड मोर थीटा, ये हो जाएगा ट्वाइस आर एच अपॉन म्यू नॉट एन tan थीटा इज इक्वल टू आई, इसको रिडक्शन फैक्टर कहते हैं के,
रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर। तो यहां से आपके पास आ गया टीजी का मैथमेटिकल इक्वेशन, आई इज इक्वल टू के टेन थीटा। ये मेन इक्वेशन है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का। यहां से आप लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, और यहां से आप लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि एंगल स्मॉल है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, क्या ये लॉ ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं है? लॉ ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसीलिए इसका नाम रखा गया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम आती है, कहता है कि 3 एम्पियर करंट पे 30 डिग्री डेविएशन था, तो 5 एम्पियर करंट पे कितना होगा? I1 by I2 इक्वल टू टेन थीटा 1 upon tan θ2। सिंपल सा सॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा, इजी। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आइए। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। ये तो बड़ा आसान है, एक मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड कर दें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अलाइन हो जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दे तो नाउ स्टार्ट्स टू ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालने आना चाहिए। तो चलिए टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, तब आप देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे जो पूछा जाता है वो है सम एंड डिफरेंस मेथड, मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो पूछते हैं आपसे दो मैग्नेट का। जैसे आप कंपैरिजन आप ईएमएफ लेते हैं, वैसे कंपैरिजन आप मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स लेते हैं बाय वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। तो पहले तो रूल देख लीजिए, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर टीजी यहां था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये टीजी लिखा। देखिए ये ट्राइपॉड है और ये नॉन मेटलिक फ्रेम हो गया, ये इसी के ऊपर कंपास रखा जाता है ये, ठीक है, और इसमें टर्न लगे हुए हैं, कॉपर के टर्न लगे हुए हैं। देखिए यहां पे एक कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल है, देखिए कनेक्शन के लिए एक तो कॉमन होगा, अब बाकी इन दोनों के बीच आप ऐड कर सकते हैं, या इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच। यहां लिखा हुआ है देखिए 250 500 लिखा है ना, ये 2 टर्न 50 टर्न और 500 टर्न, और देखिए कैपेबल टू रोटेट, क्लियर है, इसलिए रोटेट क्योंकि अभी कंपास रखेंगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। मान लेते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस पर आ गई, इसको घुमा कैसे करना पड़ेगा ना, क्यों, सर्कुलर कॉइल है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर रहेगी, इस पर सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कॉइल के परपेंडिकुलर होती है ना, इसी लाइन पर तो होगी। तो अगर कंपास अभी रखे हैं, कंपास की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, कंपास की मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर है, तो सर्कुलर कॉइल ऐसा सेटल करिए कि उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। इस तरीके से ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जब ढूंढ लेंगे उसके उसको ऐसा सेटल करेंगे घुमा के कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। आप कंपास रख देंगे, इस पर देखेंगे बीच में कहीं आएंगे, जब इस पर करंट भेजेंगे तो कंपास की नीडल धीरे से घूम के कहीं बीच में आ जाएगी, और जब करंट हटाएंगे तो कंपास की नीडल वापस अपनी पुरानी ओरिएंटेशन चली जाएगी। कंपास पे नीचे 0 to 360 का उसमें सारा बना हुआ है स्लॉटिंग, उससे पता चल जाएगा क्या डिग्री डेविएट हो रहा है। 1 एम्पियर के लिए क्या डिग्री डेविएट हुआ, 5 डिग्री, 2 एम्पियर के लिए, 3 एम्पियर के लिए, 4, वेरीफाई हो जाता है ये पार्ट डिफरेंट है, ये है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट सिर्फ इतना ही है कि आप टेंजेंट ला को वेरीफाई कर सकते हैं कि यहां जो कंपास की ओरिएंटेशन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए अपने थीटा को वैरी होने के लिए। अगर यहां वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में आए तो देखिए नाम भर बड़े बड़े हैं, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट ला, लेकिन काम बहुत छोटे छोटे हैं। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर
इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है अ सस्पेंडेड मैग्नेट, अ सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है सो कॉल्ड एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और आपने एक मैग्नेट को इस तरीके से फ्री किया हुआ है, तो ये रुकेगा कहां इस तरीके से? अगर इस तरीके से आपने फ्री किया हुआ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम ले लेते, ये एस हो जाता, ये एन हो जाता, ठीक है, तो आपको पता है कि ये थीटा डिग्री पर है, फट से इसके ऊपर एक टार्क आ जाता जो इसको अलाइन करने की कोशिश करता इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एच जरूरी नहीं है, ये कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, हम लोग और मैग्नेटिज्म में चल रहे हैं, इसीलिए बार बार एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है उसी को कंसीडर कर रहे हैं एच। तो अगर ये एक बार मैग्नेट है, अगर ये एक बार मैग्नेट है तो आपके पास है रिस्टोरिंग टार्क जो लगेगा बार मैग्नेट पर हो जाएगा माइनस एम बी, बी की जगह एच है, एच साइन थीटा, और आपको पता है एस एच एम के लिए एंगल स्मॉल छोड़ते हैं, तो अगर एंगल स्मॉल करेंगे तो हो जाएगा एम एच थीटा, और आपको पता है कि जैसे ही मैग्नेट को फ्री करेंगे फट से रोटेट होके अलाइन होने की कोशिश करेगा, टाउ रोटेशनल काइनेमेटिक्स से क्या लिखते हैं आई, ठीक है, आई इंटू अल्फा, अगर आई की बात करें तो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ये सो यहां से आपको अल्फा अल्फा मिल गया, अल्फा मिल गया माइनस एम एच बाई आई इंटू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये थ्योरी कहती है और ये सिचुएशनल डिपेंडेंसी है, कंपेयर कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया एम एच बाई आई, ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम एच बाई आई, यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी, और कर लीजिए आप टू पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम एच बाई आई, निकल गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई अंडर रूट आई बाई एम एच, ठीक है, तो ये जनरली याद होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई बाई एम एच। जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं और अब उसको हम डिस्टर्ब करते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो वो इस टाइम से सिंपल हार्मोनिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। अब इसमें लैब से टी अगर निकाल लेते और आई तो पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द मैग्नेट, तो एम नहीं निकल जाता मैग्नेटिक मोमेंट, ये वही मैग्नेटिक मोमेंट है जो आप एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से डिफाइन करते थे, मतलब जो चीज आप थ्योरेटिकली डिफाइन कर रहे थे उसको आप यहाँ लेबोरेटिकली मेजर कर सकते हैं। आप देखते हैं कि थ्योरी से ऑब्टेंड रिजल्ट और यहाँ लेबोरेटिकली ऑब्टेंड रिजल्ट सिमिलर आते हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम कैसे मिलती है, वन प्रॉब्लम या टाइप ऑफ प्रॉब्लम,
जो आपको इसमें एक प्रॉब्लम मिलती है, इसका नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड, और ये मैग्नेटिक मोमेंट्स का कंपैरिजन कराता है ऑफ द टू मैग्नेट्स। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। इसमें आपसे यह कहा जाता है, दो मैग्नेट हैं आपके पास, एक वीक और एक स्ट्रांग। क्यों दोनों स्ट्रांग नहीं? क्योंकि अगर दोनों मैग्नेट स्ट्रांग है तो उनको जब वन अबव द अदर रखने की कोशिश करेंगे तो दोनों अलाइन रहेंगे हमेशा, आप इसको किसी भी अदर डायरेक्शन में रख ही नहीं पाएंगे। लेकिन वीक होगा तो आप अपनी मनचाही ओरिएंटेशन दे सकेंगे इसको। तो करते क्या है, एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा मैग्नेट ऐसे रखते हैं कि NNSS कॉइंसाइडिंग, तो ये सम हो गया M1 + M2। अब इसको सस्पेंड कर दिए, थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दिए, T1 टाइम पीरियड आ गया, तो ऑब्वियसली T1 का M1 प्लस M2 के साथ रिलेशन हो जाएगा, T1 प्रोपोर्शनल टू 1/√M1 + M2। अगर हम दो मैग्नेट को ऐसे रख देते, ऐसे एक मैग्नेट NS और दूसरा मैग्नेट NS, तो सम नहीं हो गया ये, ठीक है? S2N होता है मैग्नेटिक मोमेंट, S2N होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब सम मेथड की बात करेंगे, सम तो मैग्नेट ऐसा रखे हैं कि इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है Mnet, वो कैसा दिख रहा है M1 + M2, इनको ट्विस्ट कर दिए तो इनका टाइम पीरियड कुछ आएगा, से इट इज द T1। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन देखिए क्या होता है, होता है T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √M, ये ना? यानी यहां जो भी T1 आया होगा वैल्यू में, वो अगर रिलेट कराना चाहे तो प्रोपोर्शनल टू 1/√M1 + M2 हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस करना होगा क्या होगा, पलट देंगे मैग्नेट को, मतलब एक NS और दूसरा SN। अब तो डिफरेंस हो गया ना, एक मैग्नेटिक मोमेंट हो गया M1, एक मैग्नेटिक मोमेंट हो गया M2, तो यहां नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, M1 - M2, Mnet हो जाएगा इज इक्वल टू M1 - M2। फिर इसको ट्विस्ट करके छोड़ देंगे, फिर ऑसिलेट करेगा, फिर हम टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे, से द टाइम पीरियड इज T2। अगर इसका टाइम पीरियड T2 आता तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाता, T2 प्रोपोर्शनल टू 1/√M1 - M2 रेशियो ले ले, T1 / T2 अगर रेशियो ले ले तो T1 / T2 एक रेशियो, अगर रेशियो ले लेते तो हमारे पास आता T1 / T2, ये हो जाता √M1 - M2 / √M1 + M2, रिसिप्रोकल है ना, जब T1 लिखे हैं तो T2 वाला ऊपर लिखे हैं √M1 - M2, और जब T2 लिखे हैं तो T1 वाला लिखे हैं √M1 + M2, ये ठीक है, स्क्वायरिंग कर ले ताकि रूट हट जाए, T1 square / T2 square कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 - M2 / M1 + M2, लगा था कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो, आने जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो M1 / M2, ठीक है? तो आप लगा दीजिए CND, ये हो जाएगा T1 square - T2 square / T1 square + T2 square = M1 - M2 - M1 - M2, डिफरेंस ले लियो ऊपर नीचे सम, M1 + M1 - M2 + M1 + M2, देख लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है, M1 और -M1 कैंसिल,
माइनस एम टू और माइनस एम टू कैंसिल, ऊपर आ रहा है माइनस ट्वाइस एम टू और नीचे आ रहा है प्लस ट्वाइस एम वन। माइनस ट्वाइस एम टू अपान एम वन इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर अपान टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, नीचे भी ट्वाइस वो है, माइनस कैसे अब्सॉर्ब होगा, अरे टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर कर लेते और क्या, तो वो साइन एक्सेप्ट हो, साइन एब्सॉर्ब हो जाता ना, ये हो जाएगा एम टू बाई एम वन आपको मिल रहा है एज द टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर अपान टी टू स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर आ गया। आपको बड़ा बड़ा सिंपली दे देगा, ऐसे कहेगा कि सम मेथड का टाइम पीरियड इतना मिला, डिफरेंस मेथड का टाइम पीरियड इतना मिला, बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कितना है, दोनों का स्क्वायर कर लीजिएगा। जैसे प्रॉब्लम लिखिए तो पीबी प्रॉब्लम, टू बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, टू बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट्स एम वन एंड एम टू, एम वन एंड एम टू आर फ्रीली सस्पेंडेड, are freely suspended under some sum sum and difference method, under sum and difference method giving the time period of oscillation, giving the time period of oscillation four seconds and ten seconds, four seconds and ten seconds full stop, compute the ratio of magnetic moments, compute the ratio of magnetic moments। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में देखिए आपको हमने यही कहा ना, आप लिखेंगे सम ऐसे और डिफरेंस, देख लीजिए एक मिनट इधर, सम सम में मैंने कहा है जो टाइम आया है वो फोर सेकंड का आया है, आपके पास डेटा है, डिफरेंस में जो आया है वो आपके पास टेन सेकंड आया है। आपको पता है सम में मैग्नेटिक मोमेंट एम वन प्लस एम टू होता है, डिफरेंस में मैग्नेटिक मोमेंट एम वन माइनस एम टू होता है, और आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपको बताया कि 4 सेकंड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपान रूट एम वन प्लस एम टू, क्लियर है, और इधर हो जाएगा आपके पास 10 प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट एम वन माइनस एम टू, ये हो जाएगा रेशियो ले लीजिए 4 बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट एम वन माइनस एम टू अपान रूट एम वन प्लस एम टू, टू टू जा टू फाइव जा, डेसिमल में मत कैंसिल कीजिएगा, स्क्वायर कर ले दोनों तरफ ताकि रूट हट जाए, हो जाएगा 4 बाई 25 इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपान एम वन प्लस एम टू, लगा दीजिए सी एन डी, 4 प्लस 25 या 4 माइनस 25 माइनस 21 4 प्लस 25 प्लस 29 इज इक्वल टू, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ऊपर माइनस एम टू बचेगा, 2m2 कैंसिल, दिस माइनस एम वन और माइनस एम टू माइनस 2m2 बचेगा, और जब नीचे ऐड करेंगे तो m2 m2 कैंसिल m1 बचेगा, ये आ गया।
सी एन डी लगाने पर ये आ गया, माइनस दोनों तरफ एक्सार हो जाएगा, मिल गया आपको एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू 29 बाई 21, सिंपल है। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूला इससे डायरेक्ट नहीं लगाया क्योंकि तो पता नहीं कौन सा उसमें टी वन टी टू में कौन सा है, कौन डिफरेंस है, कहां याद रहेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये सोच लीजिए कि सम में एम वन प्लस एम टू लेते हैं और डिफरेंस में एम वन माइनस एम टू लेते हैं और ये दिया हुआ है। अब ये कैसे सोचेंगे, मान लेते हैं आप दो डेटा दिया है, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए पढ़ के कि कौन सम का टाइम है और कौन डिफरेंस का। जब मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता है तो टाइम पीरियड वह घटता है। सोच के देख लीजिए कैसे, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम एच है ना, आई बाई एम एच। जब सम मेथड में आएगा ये एम बढ़ेगा तो टी कम हो जाएगा, क्लियर है, सम मेथड में टी कम होता है। देखिए तो इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर रीडिंग से नहीं पता कर पाए आप, मान लेते हैं ऐसा लिख दिया आपको पता नहीं चला कि सम मेथड का टाइम पीरियड कितना है और डिफरेंस मेथड का टाइम पीरियड कितना है, तो आप रिलेशन में जाइए वापस, देखिए जब मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता है तो टाइम पीरियड घट जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ये 4 साल 5 साल वाले क्वेश्चन है, मतलब 3 साल 4 साल, जैसे लास्ट ईयर ही जो प्रॉब्लम आया था वो 7 साल बाद आया था, cot square del 1 plus cot square del 2 is equal to cot square del। और इस साल 2018 में आपको मिलेगा कि एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किए, एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किए, उसका डिप आया 30 डिग्री, 60 डिग्री डेविएट करके उसको अनदर डायरेक्शन में ले गए। अब बताइए एंगल ऑफ टिप कितना, लिखिए तो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपको याद रह गया, कल ही अभी पढ़ाए हैं, नीचे लगा पाते हैं, लिखिए तो जरा प्रॉब्लम, पीपी प्रॉब्लम। A magnet has true dip 30 degree. A magnet has true dip 30 degree. Then calculate its virtual dip. Calculate its virtual dip. Dip when it is oriented at 60 degree, it is oriented at 60 degree with respect to its magnetic meridian. With respect to its magnetic meridian. Formula भी हम बता दे रहे हैं, 10 phi dash is equal to 10 phi upon cos theta. वर्चुअल ड्रिप अपॉन ट्रू ड्रिप इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। tan phi dash upon tan phi is equal to 1 upon cos theta, तो ये हो जाएगा 10 phi dash 10 30 1 upon root 3 cos 60 1 by 2 by root 3। अब आप ये आपको देगा ब्रैकेट में कि 2 by root 3 is the 72 degree या 43 degree या जो भी दे दें। ठीक है, वैसे डिप कम होता जाता है, यानी कि ये 30 से कम में होगा। फिलहाल आप सिर्फ ये लिख के छोड़ देंगे, phi dash is equal to tan inverse 2 by root, हमारे से दे देता कि 2 by root 3 tan 31 is equal to 2 by root 3, तो आप समझ जाते कि 31 डिग्री आंसर है। हम तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, जो ब्रैकेट में लिखा रहता 31 डिग्री वही ढूंढते हैं, आंसर तो नहीं दिया, यही वही आंसर होता है ठीक है। अब इसमें आइए लास्ट, लास्ट है आपके पास डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, तो चलिए देखते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या है। तो दो मैथड, लेकिन आप देखेंगे दोनों का फॉर्मूला कॉमन है, इसीलिए आपको सोच रहे नहीं कि किस मेथड का ये पूछ रहे हैं।
दोनों ही मेथड के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है। यहां आता है m1 by m2 is equal to d1 cube upon d2 cube, जबकि d1 और d2 जो है वो मैग्नेट 1 से कंपास तक की डिस्टेंस है और जो d2 है वो मैग्नेट 2 से कंपास तक की डिस्टेंस है। क्या मतलब है पहले आप डेटा समझ लीजिए, तो बाद में आप देखेंगे लैंग्वेज में खूब बढ़िया से बताएगा आपको ये है ऐसे ऐसे मेजरमेंट किया वो। अब फार्मूला बड़ा छोटा सा है, ठीक है, बताने को तो वो पूरा आपको मेथड बता देगा और उसके बाद छोटा सा डेटा देगा आपको, उस डेटा पे प्रॉब्लम देगा, तो बताएगा क्या वो, हम भी आपको बता दे रहे हैं, फार्मूला भी डिराइव कर दे रहे हैं। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जनरली एक बेंच है, बिल्कुल ऑप्टिकल बेंच की तरह, दिस इज अ वुडन बेंच जो 100 सेंटीमीटर लेंथी है, That is one meter wooden bench है और इसके सेंटर में कंपास माउंट है और ये कैपेबल टू रोटेट है, मतलब कंपास को आप जिस ओरिएंटेशन में चाहे घुमा सकते हैं। वैसे घुमा करेंगे क्या, नीडिल उसकी जो है वो हर बार को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड आएगी, घुमाना इसलिए पड़ता है क्योंकि कंपास में ये स्केलिंग है, ये तो उसको प्रॉपर करना पड़ेगा ना, प्रॉपर मतलब है उसको बेंच पे अलाइन करना पड़ेगा कि 0-0 इधर रखना है कि 360-360 रखना है, तो कंपास उसमें से निकाल के वापस लगा सकते हैं, कंपास में रीडिंग को चाहे जैसे सेटल कर सकते हैं, लेकिन कंपास के रीडिंग तो हर बार अर्थ के पैरेलल ही होनी है, ठीक है। ये है, इसमें यहां एक मीटर स्केल लगी हुई है यहां, ठीक है, और एक मीटर स्केल यहां लगी हुई है। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एक वुडन बेंच है ये, जिसके बीच में आप कंपास को माउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है अंडर डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, तो आप इस बेंच को दो बार यूज करते हैं, एक को टैन ए पोजीशन कहते हैं, एक को टैन बी पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए टैन ए पोजीशन, ये सारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट हो रहे हैं। तो यहां आपके पास ये अर्थ है, आपको बताया कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एच है और आपको पता है ये डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट है। आप बेंच को ईस्ट वेस्ट रखिए, मतलब ये बेंच हमने जैसे बनाई है बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये आपको कैसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा कि यहां आपके पास ये वुडन बेंच हो गया 1 meter लेंथी, इसमें बीचों बीच में ये कंपास हो गया और देख रहे हैं आप कंपास की ओरिएंटेशन क्या होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो होगी, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपास की ओरिएंटेशन होगी, ऐसे चुपचाप पड़ा होगा। अब आपको दो मैग्नेट दिए गए हैं, उन दो मैग्नेट्स में से एक मैग्नेट को इस साइड और एक मैग्नेट को उस साइड अलोंग द बेंच रखिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, तो मान लेते हमने एक मैग्नेट ए को यहां रखा बेंच पे, अब जरा ध्यान से देखिए तो हुआ क्या होगा, जैसे ही ए रखे होंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर आई होगी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर, ये कंपास तुरंत ऐसे ओरिएंट हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बीच में कहीं जाकर रुकेगा, रिफ्लेक्ट हुआ। उसी टाइम पर दूसरे मैग्नेट को दूसरे साइड अलोंग द बेंच रखना है, क्यों, क्योंकि जब इस मैग्नेट बी को आप रखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी और अब ये कंपास इस लाइन पर ओरिएंट होने की कोशिश करेगा, तो आपको सेटल ऐसा करना है कि इसमें नेट डिफ्लेक्शन जीरो रहे, कॉल्ड नल मेथड, ठीक है। यानी ये मैग्नेट उस नीडल को उधर ढकेलना चाहेगा और वो मैग्नेट इधर, एक केस ऐसा आएगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 मानिए,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 मानिए, और मानिए कि इसको आपने d1 पर सेटल किया है और इसको आपने d2 पर सेटल किया है, और इस तरीके से सेटल किया है कि कंपास अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में मेंटेन है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि दोनों मैग्नेट हो ही ना, क्योंकि दोनों मैग्नेट ने एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर लिया है। तो क्या आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं लिख सकते हैं क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m / d1 क्यूब, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 / d2 क्यूब, दोनों कंपनसेट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना। तो अब समझ में आ रहा टैन मेथड क्यों नाम दिए, क्योंकि एक बार मैग्नेट यहां परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये तो अर्थ की है, और दूसरा बार मैग्नेट ऐसे क्रिएट कर रहा है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो कॉमन है, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल, ठीक है। तो टेन ए पोजीशन में आपको मैग्नेट वन और मैग्नेट टू की मैग्नेटिक फील्ड को कंपास पे कैंसिल होता हुआ देखना है, ताकि कंपास की नीडल की ओरिएंटेशन में कोई चेंज ना मिले। अगर ऐसा है तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अभी बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m1 / d1 क्यूब, और इसके लिए अगर लिखे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m2 / d2 क्यूब, इन्हीं को तो इक्वेट करना है, इक्वेट करके देख रहे क्या रहा है, m1 अपॉन d1 क्यूब इज इक्वल टू m2 अपॉन d2 क्यूब, यही तो मैं कह रहा था m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू d1 क्यूब अपॉन d2 क्यूब। जनरली नहीं याद रहता फार्मूला तो ऐसे सब लगा करते हैं m1 / m2 इज इक्वल टू d1 / d2, गलत होता है, क्यूब होता है, क्योंकि याद नहीं रह जाता, याद रहता है कि वो डिस्टेंस का रेशियो इशू कुछ आता, तो आप याद रखिए क्योंकि बहुत सिंपल फार्मूला है। यहां आपके पास है m1 / m2 इज इक्वल टू d1 क्यूब / dt क्यूब, यानी एक मैग्नेट से कंपास d1 दूरी पर है और दूसरे मैग्नेट से d2 दूरी पर, अंडर नल मेथड यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अगर कैंसिल हुई है तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो होगा m1 / m2 इज इक्वल टू d1 क्यूब / d2 क्यूब। तो ये फार्मूला आ गया। अगर हम कहते tan b मेथड तो यही बेंच रोटेट करा के ns लाइन पर कर देते हैं और मैग्नेट को रोटेट करा के अलोंग नहीं परपेंडिकुलर टू द बेंच कर देते हैं, ओरिएंटेशन में पूरा चेंज कर देंगे, इसको घुमा देंगे ऐसे और मैग्नेट भी अपनी जगह पे घुमा लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज टेन बी मैथड। अब इसका मतलब है अगर फार्मूला डेराइव हो जाएगा दोनों का सेम फार्मूला आएगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि टेन ए मैथड में क्या आता था टेन बी में क्या आता था, कोई भी मैथड होगा एक ही फार्मूला है तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा m1 / m2 = d1 क्यूब / d2, ने एक शब्द खोल के लगाइएगा पता चला वो mr पे लगा दिए उसमें वो ओवली करने, इसलिए आंख खुली रखिएगा। तो यहां अगर आपके पास tan b मेथड का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, tan b मेथड, तो टेन बी मेथड में ये फिर से आपके पास अर्थ हो गई, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपके पास साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, आप बेंच को एनएस लाइन पर सेटल कर दीजिए, ये बेंच है, ये और मिड में कंपास है, और आपको पता है कंपास में नीडल को आप कैसे शो करेंगे, कंपास में जो नीडल होगी वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, क्लियर है, कैसे होगी ऐसे ही तो नीडल ओरिएंट होगी, क्या एच के पैरेलल है, क्योंकि कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अलाइन है। अब आपको एक मैग्नेट रखना था, दो मैग्नेट है ए बी, देखिए मैग्नेट कैसे रखेंगे, हम ऐसे कह रहे हैं रखने के लिए मैग्नेट, क्लियर है, क्यों सोच के देखिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, देखा इसी में ना टेंजेंट आएगी, अब ना परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हुई, इसीलिए मैग्नेट को ऐसे रखना है, यानी एक मैग्नेट ऐसे रख दिए और एक मैग्नेट यहां रख दिए, फिर से नीडल अपनी पुरानी पोजीशन में मेंटेन हो गई, ठीक है, ये हो गया बी। अब अगर आपने मैग्नेट ए जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 था d1 डिस्टेंस पे सेटल किया
और दूसरा पावर मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M2 था D2 डिस्टेंस पे सेटल किया, तो नो डिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा? अब देखिए इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हुई है, इक्वेटोरियल हो गई ना, तो इस मैग्नेट की ये वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी यहां क्या था एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट किए थे और वहां इक्वेटोरियल, तो क्या फर्क पड़ता है जैसे इक्वेट करेंगे वो सब तो कैंसिल करके यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां अगर आप लिखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई डी वन क्यूब, हाँ एम वन अपॉन डी वन क्यूब, टू नहीं रहेगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम टू बाई डी टू क्यूब। कंपेयर कर लीजिएगा इनको, कंपेयर करते ही फिर तो आपको वही फार्मूला मिलेगा, कंपेयर अगर करेंगे तो आपको फिर मिलेगा M1 by M2 is equal to D1 cube by D2। इसीलिए आपको डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में ये नहीं सोचना पड़ता कि आप tan A मेथड में मेजरमेंट कर रहे हैं या tan B मेथड में, देख लीजिए आपको D1 D2 कितना दिया हुआ है, आप D1 क्यूब निकाल लीजिए, D2 क्यूब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है, चाहे 10 ए मेथड में मेंटेन है चाहे 10 बी में, आपको सीधे सीधे मैग्नेटिक मोमेंट का मिलेगा। इस तरीके से आपने मैग्नेटिज्म के सारे उन पार्ट्स को देख लिया जो पार्ट यहाँ मेजरमेंट में आते हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट में एंटर करते हैं जिसको ईएमआई एंड एसी कहते हैं, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली में जब आप बायट सेवर्ट लॉ पढ़ रहे थे तो उसके पहले ऑरेस्टेड का ऑब्जर्वेशन आया था, ऑरेस्टेड ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि व्हेनेवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो वाइसी वर्सा भी तो ट्रू होना चाहिए। इसके लिए फैराडे ने रिसर्च किया और ये देखा कि जहां मैग्नेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, वहां करंट की भी पॉसिबिलिटी बनती है, और उन्होंने मैग्नेट एंड क्वाइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने एक मैग्नेट को नियर द क्वाइल मूव कराया, जब मैग्नेट को नियर द क्वाइल वो मूव कराते थे तो उनको डिफ्लेक्शन इन द क्वाइल मिलता, मैग्नेट को क्वाइल के पास जब वो मूव कराते थे तो एक्चुअली में क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होता था, और मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होने की वजह से करंट इंड्यूस होती थी। इस फिनोमिना का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या कंट्री जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है अल्टरनेटिंग करंट जो दे रही है आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही मिल रहा है। करते क्या है, बड़ी बड़ी टर्बाइन चल रही है, दैट इज आप वाटर से वेपर बना रहे हैं, वेपर को नैरो नोजल तक ला रहे हैं, जैसे आपने प्रेशर कुकर में देखा है किस तरीके से विसिल के थ्रू तेजी से वेपर निकलता है तो प्रेशर देता है, उस वेपर प्रेशर को उठा के ये बड़ी बड़ी आर्मेचर क्वाइल्स हैं, कॉपर की क्वाइल्स हैं, इस तरीके से ये फ्रेम हो गया नॉन मेटलिक, इसके ऊपर कॉपर का टर्न हो गया, ठीक है, एक्सिस पर माउंट कर दिए इसको, अब जैसे ही वेपर प्रेशर स्ट्राइक करेगा रोटेशन शुरू कर देंगे ऐसे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आर्मेचर क्वाइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स वेरिएशन शुरू हो गया, फ्लक्स वेरिएशन से ईएमएफ आएगा और ईएमएफ से करंट आएगी, इसी करंट को हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो कार्डलेस का कॉन्सेप्ट आया, जिसको आज की डेट में वाई फाई कहते हैं, ठीक है, वायरलेस फाइडेलिटी, मोबाइल का कॉन्सेप्ट, मीन्स आप एक सर्किट में चेंज करेंगे तो उससे एसोसिएट दूसरी सर्किट जो किसी भी तरीके से वायर से नहीं जुड़ी है, वायरलेस है, उसमें ऑटोमेटिकली चेंज शुरू हो जाएंगे, सच एज रिमोट में आप चेंज कर रहे हैं, एसोसिएट टीवी में फंक्शन चेंज हो रहा है, आप एक मोबाइल में वर्क कर रहे हैं दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे मोबाइल से डेटा रिसीव हो रहा है, तो बिना वायर के जो डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस था उसका कॉन्सेप्ट आपको यहां मिलता है अंडर द नेम म्यूचुअल इंडक्शन। और आप देखते हैं आपको एक स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी मिलेगी जिसको आप सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और यहां आपको मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ और एडी करेंट्स मिलता है, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं।